बादाम भाई है, हाय बादाम बादाम और ये शॉट हम देखेंगे कितना बेहतर होगा अपनी टीम के लिए और बहुत ही बेहतर फिनिशिंग अच्छा गोल फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच के लिए दोनों टीम्स आप डगआउट पर आएंगे कैट्स एफसी वर्सेस एफसी मंजलाडी पहिल क्वार्टर लगे नींदबी बना टीम अपन डगआउट रहा बनी लोग कड़ा अब अनुसरा डगआउट में हजुआ मंजलाडी वर्सेस कैट्स एफसी टीम और ये देखिए ये शॉट इनका ऑफ टारगेट गया है और यहाँ से दूसरे नंबर पर मैच को लीड करने के लिए एक अच्छा अवसर यहाँ सैतान चौक के लिए लीड बॉल पर शॉट लेने के लिए अगले प्लेयर्स ये भी बहुत ही बेहतर फिनिशिंग मंत्री के द्वारा और यहाँ से दो में दो गोल सैतान चौक पाकुड़िया का और एसके यूजी डहा लगे दो में एक दो एक से आगे चल रहे हैं सैतान चौक की टीम दो दो शॉट्स में थर्ड गोल लगे एवं जर्सी नंबर तीन राहुल और ये देखिए बहुत बेहतर फिनिशिंग तीसरा शॉट गोल सैतान चौक टीम से तीसरे नंबर पर आएंगे लीलू हेमरम पहले क्वार्टर फाइनल लगी कैट्स एफसी और एफसी मंजलाडी टीम अब नींद भी डगआउट अब नीलों का ना अब दूसरा रेडी करते अब डगआउट रह जो
Lilu, Timran Adi, active. Or Timran captain ho kena? Adi active players kena Lilu Hembram. Behatrin Singh. Puneet ka cabin par look out raha aur yahan se match ko level kar diya, match ko barabari kar diya. Teen teen shots mein dono teams ka score level 2-2 ki barabari par. Pepe gote shots ye la bada team se khoi apna team over gote goal gate ki barabari kiya. Nitu Bonia le keeper jote koi do send kar koko do second half na bujho do bujho do uttar hai. Noi bodol kate ground ko go kate sanu brandi jitu adi tagra gaya lekin mera jitu bisa bhai yogdan hai goal che dikha kare ka se bol time ground re gel kare mushkil avastha re aya team e bachcha bada hoga sanu brandi shot lagi taiyar banaya tora bitte bitte si khiladi no number और अनुमान डिटेक्ट लगा भी किया मैं खाई थोड़ा का नेता हूं ना अटी मुच बोले रेड ले गया बॉल ना डायरेक्शन में बिहु ले गया मैं खान बॉल हो थोड़ा का स्पीड की था करना और थोड़ा का बॉल इस टाइम नहीं मिला ना और उन्होंने कोई फोर्थ शॉट लगी सेटन चौक पाकुड़िया जल्दी कीजिए नेक्स्ट बॉल के लिए और शायद हमको लग रहा है यहाँ पर जादू जी ही शॉट लेंगे चौथा बॉल और ये खराब शॉट जादू मरंडी का शॉट ये खराब गया उनके सीधा में गेंद को शॉट कर बैठे जो मंशा था उनका शॉट लेने के लिए उस हिसाब से वो गेंद को नहीं शॉट लगा पाए और इसी समय पर यहाँ से एक एडवांटेज जिस प्रकार से अभी तक है नाहरलगी के पास एक एडवांटेज अभी भी है चार चार शॉट में सैतान चौक का मात्र दो गोल और नाहरलगी चार बॉल में तीन गोल 3-2 से नाहरलगी आगे चल रहा है अगर इस बॉल को गोल कर देते हैं तो नाहरलगी टीम का जीत पक्का हो जाएगा क्वार्टर के लिए ये डिसीजन बॉल ऐसे समय पर स्टार खिलाड़ी वहां पर गए हैं फुलचंद और बेहतर फिनिशिंग बॉटम कॉर्नर पर और इसी के साथ एसके यूजी नाहरलगी की टीम क्वार्टर फाइनल के लिए अपना जगह क्वालिफाई करती है